सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके प्यारे YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सबने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम जो है इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आइए उसी टॉपिक पर सीधा हम आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भर्ती है, उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे दिनों से चर्चा चल रही है कि DLV के अंदर जो है स्वायत्त शासन विभाग के थ्रू जो है आपके राजस्व अधिकारी की, अधिशासी अधिकारी की, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, IN, JN और फायरमैन, ये सारी वैकेंसी आने वाली थी, जिसमें से आप सबको पता होगा फायरमैन की वैकेंसी जारी हो चुकी है, IN, JN की वैकेंसीज भी जो है जारी हो चुकी है। अब आपकी जो वैकेंसी पेंडिंग बची है वह है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, आप बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगा। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे जो है आज मैं आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्ट बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो है बजट घोषित किया है, ठीक है, एक दो दिन पहले ही, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो है कुछ से नगर पालिकाएं जो है उनको क्रमोन्नत किया है, ठीक है, और कुछ नगर परिषद है, सॉरी नगर पालिकाएं, उनको क्रमोन्नत करके नगर परिषद बनाया है, ठीक है। तो नगर परिषद में जो है आप सबको पता होना चाहिए, नगर पालिका की अपेक्षा नगर परिषद में जो है सीटें ज्यादा होती है। अब नगर परिषद में जो है कौन कौन सी सीटें होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नगर परिषद में जो है आपके आयुक्त तो होता है, आयुक्त के अलावा जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नगर पालिका में जो है आपके एक सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, नगर परिषद में जो है आपके वार्ड वाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं। तो पहली बात तो ये, जो नई नगर पालिकाएं जो क्रमोन्नत की है उनमें आपकी सीटें और ज़्यादा सेंशन होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके वैकेंसीज भी बढ़ करके आएगी दोस्तों। दूसरी चीज, पिछला जो बजट था जिसमें आपके वैकेंसीज स्वीकृत थी ऑलरेडी स्वायत्त शासन विभाग के थ्रू, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की, तो रेवेन्यू ऑफिसर की 14 सीट थी और आपके जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो है 37 सीट थी, तो वो अभी जारी नहीं की है, ठीक है। तो वो वैकेंसी तो आपके आनी ही आनी है, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि वो वैकेंसी जो है आपके बढ़ करके आने वाली है। दूसरी चीज, जो आपके संशय बना हुआ था का इस भर्ती को इस बार कौन कराने वाला है, तो आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो विधानसभा सत्र चला था उसमें जो है आपके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है DLV, उसके जो आपके मंत्री महोदय श्री शांति धारीवाल जी जो है उन्होंने प्रश्न काल में जवाब दिया है, जो अधिशासी अधिकारी की भर्ती है, जो रेवेन्यू ऑफिसर की भर्ती है, वो RPSC ही करवाएगा, ठीक है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो DLV आपके इस बार ये वैकेंसी नहीं करवाने वाली है। जो वैकेंसी उन्होंने आज से साल भर पहले ही RPSC को भेज दी थी और वापस RPSC से अभ्यर्थना लौटा भी दी गई थी, तो उस पर जो है एक और प्रश्न मार्क लग गया है। ये इस वजह से लग गया है क्योंकि मंत्री महोदय जी ने जो है विधानसभा सत्र में बयान दे दिया कि RPSC ही करवाएगी, जो लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट है वो नहीं करवाएगा। तो दोस्तों, वैकेंसी जो है आपके बढ़कर के आने वाली, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। अब बात करते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये वैकेंसी तो स्वीकृत नहीं थी उस टाइम पे, आप सबको पता होगा, लेकिन बीच में जो है कुछ खबरें ऐसी आई, डिपार्टमेंट से अंदरूनी खबरें मिली है, जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो है आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आपके रेवेन्यू ऑफिसर, ये सारी वैकेंसी जारी होने वाली है। तो EORO की वैकेंसी तो कन्फर्म हो चुकी है, RPSC करवाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। तो आपके ये जो वैकेंसी कभी भी जारी हो सकती है और इस बार जो है आपके ये सारी वैकेंसी बढ़ करके आने वाली है, भर्ती विज्ञापन जो है कभी भी जारी हो सकता है। और आप सबने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो जिसमें मैंने आपको बताया है कितनी वैकेंसी जो है राजस्थान नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में खाली चल रही है, नंबर ऑफ वैकेंसी 72,000 थी, 72,000 में से जो है 19,240 के समथिंग जो है वैकेंसी खाली चल रही थी, ठीक है। उसमें से कुछ पोस्ट ऐसी थी जो प्रेजेंट टाइम पे जो है लैप्स कर दी गई है, घटा दी गई है, ठीक है। और जो काम की जो मेन मेन पोस्टें हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी जो जिनकी जरूरत है तो वो चल रही है, तो उन पे जैसे कि आप मान लीजिए 19,240 वैकेंसी उस टाइम पे टोटल खाली थी, ठीक है। जो पद काम की खत्म नहीं है वो खत्म कर दिए, तो उसके बाद जो है आपके 10,000 के समथिंग पद
मान लीजिए आप काम के बचे हैं तो 10,000 में से आप मान के चलिए सरकार जो है आपके 3,500 से 4,000 की समथिंग वैकेंसी निकालने वाली, जिसमें आप सबको पता होगा स्वशासन विभाग के थ्रू जो है INJN की वैकेंसी भी निकल चुकी है, ठीक है, फायरमैन की वैकेंसी भी निकल चुकी है। अब आपके बड़ी भर्ती जो अपन बात कर रहे हैं EO RO RI ARI और SI सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारी वैकेंसी बहुत जल्द जारी होने वाली है, ठीक है। तो कभी भी इसका भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, आप बस कंटिन्यू बनाए रखे पढ़ते रहिए। और अभी थोड़ा सा मैटर जो क्वालिफिकेशन का जो कोर्ट में चल रहा है वो फाइनल हो जाएगा, जहाँ तक उसका जजमेंट आने के बाद ही ये भर्ती विज्ञापन जारी होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी समझ है, उससे पहले सरकार जारी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जानती है अगर हमने पहले भर्ती जारी कर दी तो इस पे स्टे आ जाएगा। तो सरकार खुद नहीं चाहती कि भर्ती जो है कोर्ट में अटके किसी भी मैटर को लेकर के, ठीक है। भर्ती निकालेगी सरकार, बहुत जल्द निकालने वाली है, और भर्ती निकालने के बाद बहुत ही कम समय में जो है इसको पूर्ण भी करवा देगी। जैसे कि आपको पता होगा सिटन टाउन प्लानर की जो भर्ती है 1.5 महीने में कंप्लीट करवा दी थी उन्होंने, ठीक है। और उसके अलावा जो है फायरमैन की भर्ती का जो एग्जाम डेट घोषित करती उसी एग्जाम डेट पे जो है वो भी कंप्लीट करा दी है। उसके अलावा INJN की वैकेंसी जो निकाली है, ठीक है, तो वो भी जो है बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारी वैकेंसी आपके आने वाली है, और लेटेस्ट जो है 2000 बजट में बात कर रहा हूँ 19 की, उसमें जो स्वीकृति थी तो वो तो मैंने आपको बता दी, और उसके ऊपर भर्ती विज्ञापन भी आने वाला है। लेकिन हाल ही में लेटेस्ट जो है 2019 के अकॉर्डिंग जो नई नगर पालिका स्वीकृत हुई थी, ठीक है, नगर परिषद जो कर्मोन्नत हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, तो उनकी जो सीटें उनमें सेंशन हुई थी वो सारी सीटें जो है उसका एक रिप्लाई है मेरे पास, तो उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग भी जो है आपके और भी सीटें खाली हुई है। तो इसी वजह से मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ, श्योर बोल रहा हूँ आपसे कि वैकेंसी जो है बढ़ करके आने वाला, बहुत बड़ा भर्ती आपके आने वाला है। बस का आपको जो है रेगुलर जो है एग्जाम प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि RPSC अगर आपके EORO की वैकेंसीज करा रही है ना, तो समझ लीजिए एग्जाम लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी चीज़, आपके इंटरव्यू की पूरी पूरी संभावना है, हो सकता है रिटर्न एग्जाम के अलावा जो है इंटरव्यू भी जो है RPSC ले, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम प्रिपरेशन अभी से करेंगे तो आप सीट निकाल पाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।